कहा जाता है कि वीडियो गेम अडॉप्टेशन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती और वो हर बार फेल होती हैं। बट HBO की द लास्ट ऑफ अस सीरीज ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा गलत साबित किया है और फिलहाल तो द लास्ट ऑफ अस सीरीज एक बहुत ही एक्लेम्ड HBO सीरीज साबित हो चुकी है। और जैसा कि ये शो जियो सिनेमाज में हिंदी में भी अवेलेबल है, मैंने इस शो को रिसेंटली देखा और मेरे होश उड़ गए। एंड डेफिनेटली आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये शो काफी बेहतरीन लगा होगा, जिसके कारण आज की इस वीडियो में हम इसके कई सारे बिहाइंड सीन फैक्ट्स को लेकर आए हैं, जैसे कि पेड्रो पास्कल से पहले जोएल के रोल के लिए किस किस बड़े एक्टर को कंसीडर किया जा रहा था, इस शो के अंदर कौन सा एक्टर है जिसने वीडियो गेम और इस सीरीज के अंदर अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, क्या क्या डिफरेंसेस थे वीडियो गेम और इस सीरीज के बीच में, इस शो के अंदर क्लिकर्स को किस तरह से दिखाया गया था और उनकी प्रिपरेशन में कितना वक्त लगता था, कौन से रियल लाइफ फंगस पर इस सीरीज के वायरस को मॉडल किया गया था और इस सीरीज के आने वाले टाइम में और कितने सीजन आएंगे, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें अगर इस सीरीज के डेवलपमेंट की, तो पहले गेम की रिलीज के दौरान मार्च 2014 में इनिशियली इस गेम पर एक लाइव एक्शन सीरीज नहीं बल्कि मूवी बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन सोनी के अंदर ये 2016 तक झूलती रही क्योंकि सोनी एक्चुअली अपने लाइव एक्शन अनचार्टेड मूवी के ऊपर फोकस करना चाहता था। फाइनली लास्ट ऑफ अस मूवी के क्रिएटिव डायरेक्टर नील ड्रकमैन ने इस बात को रियलाइज किया कि इस गेम के स्पेसिफिक प्लॉट पॉइंट्स टीवी शो के रूप में काफी अच्छे से अडॉप्ट किए जा सकते हैं और फाइनली 2018 में उनकी मुलाकात क्रेग मजीन से हुई, जिन्होंने HBO का सक्सेसफुल टीवी शो चेर्नोबिल लिखा और क्रिएट किया था। और यहाँ पर क्रेग मजीन खुद भी इस गेम के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने 12 बार इस गेम को खेलकर खत्म किया था। फाइनली इन दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई, जहाँ पर इन दोनों ने मिलकर HBO को इस शो को पिच किया, जिसे फाइनली 2020 में जाकर HBO ने अनाउंस किया। बात करें अगर इस सीरीज की कास्टिंग की, तो यहाँ पर जोएल के रूप में इनिशियली पहले मैथ्यू मैकनाहे, महाशला अली, माइकल फासबेंडर, ह्यू जैकमैन, जॉश ब्रोलिन, कियानू रीव्स, क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम हार्डी जैसे एक्टर्स को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, बट इवेंचुअली फिल्म मेकर्स पेड्रो पास्कल को ही उनकी इंट्रीगिंग पर्सनालिटी के लिए कास्ट करना चाहते थे। और सरप्राइजिंगली पेड्रो पास्कल भी इस स्क्रिप्ट को समझने के बाद पहले ही मीटिंग में उन्होंने इस रोल को हाँ कर दिया। वहीं पर एली के रोल के लिए यहाँ पर तकरीबन 102 एक्ट्रेसेस का ऑडिशन लिया गया था, जहाँ पर क्रिएटर्स डैफनी कीन, केटलिन डेवर और मेजी विलियम जैसी एक्ट्रेसेस को भी कंसीडर कर रहे थे, बट इवेंचुअली ये रोल बेला रैमजी को मिला, जहाँ पर सरप्राइजिंगली पेड्रो पास्कल और बेला रैमजी इससे पहले भी गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी शो के अंदर भी काम कर चुके हैं, जो HBO के अंदर ही बनी थी। लेकिन जैसा कि हर बार एक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स को समझने के लिए कभी कभार सोर्स मटेरियल को एक्सप्लोर करना होता है, पर्टिकुलरली इस सीरीज के केस में यहाँ पर फिल्म मेकर्स ने उन्हें ऐसा करने से रोका था, जहाँ पर एली की एक्ट्रेस बेला रैमजी ने इस बात को रिवील किया था कि उन्हें इनकरेज और एडवाइज किया जाता था कि वो इस गेम को ना खेलें, पर फिर भी वो छुप छुप के इस गेम को खेला करती थीं। और जैसा कि पेड्रो पास्कल वीडियो गेम्स में उतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने अपने भतीजे को इस गेम को खेलते हुए देखा था, जिसके बाद ही उन्हें इस कैरेक्टर का असली अंदाजा मिल पाया था और उन्हें इस कैरेक्टर को प्ले करने की असली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ब्लेंडर एक बहुत ही पावरफुल 3D सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन और 3D एसेट्स तक डिजाइन कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप वीडियो गेम या विजुअल इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं। और आज के जमाने में 3D एक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग वैल्यूएबल स्किल है, लेकिन एज अ बिगिनर ब्लेंडर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3D सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन थैंकफुली आवर ब्लेंडर गुरु एंड्रू प्राइस, जिन्हें देखकर बहुत सारे 3D आर्टिस्ट ने अपनी शुरुआत की थी, स्पेसिफिकली उनके डोनट ट्यूटोरियल को देखकर। लेकिन आज से पहले प्रॉब्लम ये थी कि ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में था, बट अब मेरी आवाज के साथ आप उनके ट्यूटोरियल को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी हिंदी में, और इसका पहला लेसन अब हिंदी में अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस वीडियो की लिंक पर जाइए और उस वीडियो के नीचे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो हम इसके बाकी पार्ट्स को भी जल्द ही रिलीज करेंगे। लेकिन वहीं पर ओरिजिनली वीडियो गेम के अंदर जोएल के कैरेक्टर को अपनी वॉइस और मोशन कैप्चर दी थी फेमस वॉइस एक्टर ट्रॉय बेकर ने, जो एक्चुअली इस सीरीज के अंदर भी हमें एपिसोड 8 के अंदर देखने को मिले थे। वहीं पर एली का रोल एशली जॉनसन ने प्ले किया था, जो सीरीज के फिनाले में एली की मॉम एना के रूप में देखने को मिली थी। अगर बात करें इस सीरीज की फिल्मिंग की, तो वैसे तो इस सीरीज की कहानी अमेरिका के ऑस्टिन टेक्सास, बोस्टन और मैसाचुसेट्स की कहानी है, लेकिन इस शो को पूरा का पूरा अल्बर्टा कनाडा के अंदर शूट किया गया है और यहाँ पर इसे अमेरिका जैसा दिखाने के लिए कई सारी स्नो, ट्रीज
और लोकल एनवायरनमेंट को भी थोड़ा चेंज करना पड़ा था। जहाँ पर इस पूरे के पूरे सीजन को शूट करने में तकरीबन 1 साल तक का वक्त लगा था। यहाँ तक कि अमेरिकन पुलिस कार्स को भी इस शो के लिए ले जाया गया था। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से कनाडा में शूट हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोडक्शन था। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने कैरेक्टर को वीडियो गेम के साथ साथ इस सीरीज के अंदर भी प्ले किया है, और यहाँ पर वो एक्ट्रेस थी मैडलिन का रोल प्ले करने वाली मर्ल डैंड्रिज, जिनके हिसाब से उनका इस कैरेक्टर के साथ एक काफी डीप कनेक्शन था, जिसके कारण ही प्रोडक्शन ने उन्हें इस रोल को प्ले करने के लिए वापस लाया। इन्फेक्टेड्स का रोल प्ले करना इस सीरीज के अंदर एक्चुअली काफी चैलेंजिंग था, और इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि यहाँ पर चीजों को ढंग से किया जाए, यहाँ पर इन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स को एक्चुअली एक स्पेसिफिक बूट कैंप ज्वाइन करना पड़ा था, जहाँ पर इस बूट कैंप के अंदर उन्हें सिखाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि टेरी और टेरी ने किया था, जो एक्चुअली मॉन्स्टरवर्स के अंदर कॉन्ग के मोशन कैप्चर आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने ही क्रीपर्स को और भी ज्यादा क्रीपी दिखाने के लिए अपनी ओर से कई सारे एक्शंस को सजेस्ट और ट्रेन किया था। फाइनली अगर बात करें इस सीरीज के अंदर इन्फेक्टेड्स के लुक की, तो यहाँ पर एक्चुअली हैवी प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट बैरी गोवर को हायर किया गया था, जिन्होंने HBO की दूसरी हिट शो गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर बहुत सारे फैंटेसी कैरेक्टर के लुक्स को क्रिएट किया था। साथ ही साथ इन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स के वेक्ना और आर्मी ऑफ डेड के ज़ॉम्बीज को भी क्रिएट किया था, और यहाँ पर इन्होंने क्लिकर्स और दूसरे मॉन्स्टर्स की सारे के सारे लुक में बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ली है, जहाँ पर ऑन दी एवरेज इन कैरेक्टर्स के लुक को डिजाइन करने में 6 महीने तक का वक्त लगा था, और स्पेसिफिकली ब्लोटर के कैरेक्टर को डिजाइन करने में 3 महीने तक का वक्त लगा था। वहीं पर अगर बात चल रही है ब्लोटर की, तो इस सीरीज के अंदर ब्लोटर को बहुत ही खतरनाक दिखाया गया था, जिसके लिए यहाँ पर एक्टर एडम बेसिल को कास्ट किया गया था, और इनके लिए यहाँ पर बैरी गोवर ने तकरीबन 80 पाउंड जो कि लगभग 40 किलोग्राम के आसपास है, उतने वजन का एक बहुत ही चिपचिपा सा प्रोस्थेटिक सूट बनवाया था, जिसका इम्पैक्ट सीरीज के एपिसोड 5 में देखने को मिला। और जब बात एपिसोड 5 के अंदर हो रही है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इतना इंटेंस हो चुका था कि इस पूरे के पूरे अकेले एपिसोड को ही शूट करने में तकरीबन 3 हफ्ते तक का वक्त लगा था। प्रैक्टिकल इफेक्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लिकर्स और क्रीचर्स तक ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर कई सारे सेट्स को भी एक्चुअली प्रैक्टिकली बनाया गया था। एग्जाम्पल के रूप में वो कैपिटल बिल्डिंग का इंटीरियर, इसे साउंड स्टेजेस के अंदर बनाया गया था, और चीजें बिल्कुल गेम के हिसाब से ही हो, इसके लिए यहाँ पर गेम के आर्ट बुक को भी रेफर किया गया, जिसे नॉटी डॉग ने पब्लिश किया था। लेकिन भले ही सीरीज को गेम के हिसाब से बनाया गया था, इस सीरीज के अंदर गेम से बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस भी थे, जहां पर सबसे पहले था टाइमलाइन, जहां पर गेम की टाइमलाइन के हिसाब से जोएल के फ्लैशबैक को साल 2013 में दिखाया जाता है, और आगे की कहानी साल 2033 में टेक प्लेस करती है। वहीं पर सीरीज के अंदर जोएल की कहानी को 2003 में दिखाया जाता है, जो 20 साल आगे यानी 2023 में टेक प्लेस करती है। इसके साथ साथ गेम के अंदर वायरस एयरबॉर्न स्पोर्स के थ्रू डिस्पर्स होता है, लेकिन वहीं पर गेम के अंदर इसे टेंड्रिल्स के थ्रू डिस्पर्स करते हुए दिखाया गया, जो कि ओरिजिनली गेम का ही आइडिया था, लेकिन इसे गेम के अंदर यूज नहीं किया गया था। साथ ही साथ गेम के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि ये पेंडेमिक एक्चुअली शुरू कैसे हुआ था, लेकिन वहीं पर टीवी शो के अंदर इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन शुरुआत में ही बताया गया था। और ऐसे बहुत सारे और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन सबको बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि लास्ट ऑफ अस सीरीज के अंदर जिस फंगल इन्फेक्शन को दिखाया गया है, क्या सचमुच वो किसी रियल लाइफ फंगस से इंस्पायर्ड है? वेल, ऐसा लगता तो है, क्योंकि रियल लाइफ में ऑफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरल्स, या सिर्फ जिन्हें कॉर्डिसेप्स भी कहा जाता है, ये एक तरह के फंगस होते हैं जो छोटे कीड़े मकोड़ों पर इम्पैक्ट डालते हैं, और ये बेसिकली उन्हें माइग्रेट करने पर मजबूर करते हैं अपने फेवरेट कंडीशंस पर, और वहां पहुंचने के बाद वो उनके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, जिसके बाद उनकी बॉडी फटती है और फिर ये स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं दूसरे इंसेक्ट्स पर इम्पैक्ट डालने के लिए। बट डोंट वरी, ये बड़े जानवरों और क्रीचर्स जैसे कि ह्यूमन पर इफेक्ट नहीं डाल सकता फिलहाल के लिए। बात करें अगर अवार्ड्स और नॉमिनेशन की, तो ये सीरीज काफी ज्यादा धांसु साबित हुई है, जहां पर इसी साल गोल्डन ग्लोब्स में इसे 3 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिनमें शामिल थे बेस्ट टेलीविजन सीरीज, बेस्ट एक्ट्रेस टेलीविजन ड्रामा और बेस्ट एक्टर टेलीविजन ड्रामा। साथ ही साथ इसे प्राइम टाइम क्रिएटिव एमी अवार्ड्स के अंदर लगभग 19 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इसने 8 अवार्ड्स जीते। साथ ही साथ MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड्स का
बेस्ट डुओ, बेस्ट हीरो और बेस्ट शो का भी अवार्ड इस सीरीज को मिला। अगर बात की जाए आगे के सीजन के बारे में तो ऑफ कोर्स इस सीरीज के आगे के सीजन पर काम चल रहा है, जहां पर रिसेंटली सीजन 2 के अंदर कैटलिन डेवर को एबी के रोल के लिए कास्ट किया गया है। इसके अलावा कहानी मोस्ट प्रोबेबली सेकंड गेम को ही फॉलो कर सकती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि इस सीरीज से बहुत ज्यादा सीजन की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। बट रिसेंटली कुछ रिपोर्ट लास्ट ऑफ अस के थर्ड गेम के भी आ रहे हैं, तो अब देखना होगा कि सीरीज पहले आगे बढ़ती है या गेम। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि प्लीज हमारे ब्लेंडर गुरु वाले कोलैबोरेशन वीडियो को एक बार विजिट जरूर करिएगा और अपने एक्सपीरियंस को उस वीडियो के कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। बाय द वे, वीडियो अगर आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितना मालूम है इस सीरीज के बारे में। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप मेरी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.